अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टेली प्ले मुतारिफ़ कराया। वो है लेजेंडरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहम्मद निसार हुसैन। आइए बात करते हैं मोहम्मद निसार हुसैन की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में, और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया उसके बारे में भी जानते हैं। झेलम में पैदा होने वाले मोहम्मद निसार हुसैन बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने अपने शोबिज कैरियर का आगाज स्टेज ड्रामों से किया। उन्होंने साल 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन में शमूलियत इख्तियार की और अपना पहला टीवी ड्रामा बानो की डायरी प्रोड्यूस किया, जिसे बानो कुत्सिया ने लिखा था। अगर इनके मशहूर ड्रामा सीरियल की बात की जाए तो वो है एक मोहब्बत दो अफसाने, हैरत कड़ा, किला कहानी और इसके अलावा भी बहुत सारे। जब ज़िया हुकूमत ने पीटीवी पर पाकिस्तानी फिल्में दिखाने की हौसला शिकनी की तो मोहम्मद निसार हुसैन ने 1981 में पीटीवी लाहौर सेंटर से टेली प्ले मुतारिफ कराया। तमाम टेली प्ले में सबसे ज़्यादा मशहूर 1983 में रागन में अंधेरा था, जो ड्रग माफिया पर मबनी था। यह 1980 की दहाई में पाकिस्तान का एक बड़ा मसला था। पीटीवी की सुपरहिट क्राइम सीरीज अंधेरा उजाला उसी टेली प्ले का तसलसल था, और इसी कहानी पर पंजाबी फिल्म जोरा जो कि 1986 में बनाई गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दो मशहूर अदाकार असलम परवेज और इकबाल हसन एक कार हादसे में जां बहक हो गए थे। मोहम्मद निसार हुसैन ने 1993 में रिटायर होने से तकरीबन 29 साल पीटीवी के लिए काम किया। उस वक्त तक वो मुख्तलिफ नौयत के तकरीबन 400 प्रोग्राम्स प्रोड्यूस कर चुके थे। पीटीवी में अपने दौर में एमएनएच ने बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जीएम लाहौर और इस्लामाबाद मराकज और इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में बतौर डायरेक्टर प्रोग्राम्स खिदमत अंजाम दी। मोहम्मद निसार हुसैन को 1984 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ड्रामे के मैदान में काम करने पर सदारती गोल्ड मेडल सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। इनकी प्रोडक्शंस इंग्लैंड, प्राग टीवी फेस्टिवल और चीनी टेलीविजन पर भी दिखाई जा चुकी हैं। वो शंघाई टेलीविजन फेस्टिवल 1992 में ज्यूरी के रुकन भी थे। पाकिस्तान टेलीविजन के इस मारूफ प्रोड्यूसर और पीटीवी के साबिक प्रोग्राम डायरेक्टर मोहम्मद निसार हुसैन का इंतकाल 68 साल की उम्र में हुआ। एमएनएच के नाम से मशहूर मोहम्मद निसार हुसैन का रवा साल जनवरी में दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें शरियानों में इन्फेक्शन हुआ और बिलाखिर वो दम तोड़ गए। मोहम्मद निसार हुसैन ने अपने पीछे एक बीवी और तीन बेटे छोड़े हैं। निसार हुसैन, जिन्हें 1983 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया था, साल 1981 में शुरू होने वाली हफ्तावार ड्रामा सीरीज के सरे खेल थे, जब उन्होंने 1981 में ड्रामा का आगाज किया था। मोहम्मद निसार हुसैन ने 1987 से 1997 और 1982 से 88 के दौरान पीटीवी लाहौर के जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया। उन्होंने पीटीवी इस्लामाबाद के जनरल मैनेजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। हैरत कड़ा, एक मोहब्बत सौ अफसाने और आखिरी शब इनके तनकीदी ड्रामों में शामिल हैं। उन्होंने 1992 में पीटीवी से रिटायरमेंट के बाद निजी प्रोडक्शंस में कदम रखा। आज भी जब पाकिस्तान के मायानास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की बात की जाए या पाकिस्तान के 90 की दहाई के हसीन ड्रामों की बात की जाए तो मोहम्मद निसार हुसैन का नाम आज भी सबसे नुमाया है। मोहम्मद निसार हुसैन बेशक अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन अपने काम, आर्ट और अपने ड्रामों के ज़रिए आज भी हम सब के दरमियान जिंदा हैं। मोहम्मद निसार हुसैन के ड्रामों ने उस वक्त भी लोगों को बहुत सीख दी और आजकल के ज़माने में भी मोहम्मद निसार हुसैन जैसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की अशद ज़रूरत है, जो हमारी अगली आने वाली नस्ल की रहनुमाई कर सकें और हम आर्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन, ये थी इस मायानाज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहम्मद निसार हुसैन के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आप अगली आने वाली वीडियोज़ के बारे में पहले ही आगाह हो सकें। अल्लाह हाफिज़।